निवेदन नहीं नरसंहार होगा। मनोज बाजपेयी स्टारर भैया जी फाइनली रिलीज हो गई है और भाई इसके सामने ना साउथ पिक्चरें फेल हैं। और मनोज बाजपेयी फैंस इस फिल्म को देखकर बस यही बोलेंगे, भैया जी हम 100वीं फिल्म है ये मनोज बाजपेयी की और इस फिल्म में गर्दा उड़ा दिया भाई साहब भैया जी ने। कोई इसे बिहार की शोले बोल रहा है तो कोई भैया जी को देसी जॉन विक, बट मैं तो कहूंगी कि भाई अगर साउथ की मास मसाला फिल्मों को तगड़ी टक्कर दी है भैया जी ने, ये हुई ना बात। एंड जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई लॉजिक नहीं था, कुछ ज्यादा ओवर ही हो गया, ऐसा कहाँ होता है, तुम वही हो ना जो रॉकी भाई की एंट्री पे पागल होकर नाच रहे थे थिएटर में, गूज़बम्प्स चिल्ला रहे थे, पुष्पा भाव के रफ लुक एंड टफ एक्शन के पीछे क्रेजी होके घूम रहे थे, तब नहीं ढूंढा कोई लॉजिक। अब आया ना लाइन पे। हाँ था इसमें साउथ फ्लेवर है ये मासी फिल्म, किया है मनोज बाजपेयी ने फुल एक्शन वैक्शन, बट यही तो लोगों को चाहिए ना फिलहाल। एक्शन फिल्मों का ट्रेंड है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखने जा रहे हैं, लोगों को मासी फिल्में चाहिए, बट मनोज बाजपेयी की ये फिल्म क्या इस मासी ऑडियंस को अपनी सीट पर बांध पाई, वो तो देखो मैं अपने बताऊंगी रिव्यू में। पर उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको मनोज बाजपेयी की कौन सी फिल्म या फिर वेब सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है। हाय मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट। मनोज बाजपेयी इन एंड एज भैया जी थिएटर्स में आ गई है 100 फिल्म और इंडस्ट्री में पूरे 30 साल होने पर सभी मनोज बाजपेयी और भैया जी को कमेंट में बधाई देते हुए चले। इस फिल्म में भैया जी का स्लोमो ऊपर से धासु बीजीएम स्वाद आ गया भाई साहब, एंड गाने में आपको पूरी फील आ जाएगी, म्यूजिक जबरदस्त है, सिचुएशन के हिसाब से डाले गए हैं, स्पेशली वो भाई वाला गाना आपको काफी इमोशनल कर देगा, मुझे तो कर दिया था। और इमोशनल से मुझे याद आया फिल्म में एक सीन है जहां मनोज बाजपेयी अपने भाई की अस्थियों को हाथ में लिए रो रहे थे, उस सीन में आप उनकी आंखें नोटिस कीजिएगा, आपको डिटेलिंग क्या होती है वो पता चलेगा, उनकी आंखें एकदम सूजी हुई थी, आधी आधी खुल रही थी, काफी टच कर जाता है वो मोमेंट। सबसे पहले अब कास्ट की बात करें तो फिल्म में मनोज बाजपेयी जो प्ले कर रहे हैं रामचरण का कैरेक्टर, जिन्हें लोग भैया जी के नाम से भी जानते हैं, इनके अलावा फिल्म के विलेन सुविंदर विकी जो चंद्रभान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हु इज अ दबंग, और उनका बिगड़ैल बेटा अभिमन्यु प्लेड बाय जतिन गोस्वामी, जिसके सारे काले कारनामे उसका बाप छुपा देता है। जोया हुसैन भी आपको फिल्म में नजर आएंगी, जिनसे भैया जी का ब्याह होने वाला है, बट शी इज नॉट जस्ट अ लव इंटरेस्ट इन द फिल्म, आई टेल यू इनकी परफॉर्मेंस आपको फिल्म में काफी इंप्रेस करेगी, शी वॉज अमेजिंग इन द फिल्म। फिल्म के प्लॉट पर आ जाते हैं, कहानी शुरू होती है भैया जी के छोटे भाई वेदांत से जो दिल्ली में पढ़ाई करने गया हुआ था और भैया जी की शादी के लिए वो बिहार लौट रहा है। भैया जी से बात करते हुए वो बताता है कि वो बस रेलवे स्टेशन पर है और पराठे खा रहा है, ट्रेन में बैठेगा उसके बाद, और इसके बाद सीधी आती है वेदांत की खबर, जिसके बाद बिहार में भैया जी के घर पर मातम छा जाता है। ये भैया जी जो कि फिलहाल शराफत की मूरत हैं, एक टाइम पर दबंगों के दबंग और रॉबिन हुड के बाप भी कहे जाते थे। रॉबिन हुड है क्या? उसका बाप है भैया जी। उनको जब ये पता चलता है कि उनके मासूम भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है, फिर रामचरण से भैया जी वाले मोड में आ जाते हैं और फिर शुरू होता है नरसंहार। निवेदन नहीं नरसंहार होगा। कहानी सुनने में चाहे कितनी भी प्रेडिक्टेबल लग रही हो, लग रहा हो कि ऐसे बदला लेने वाली कहानी हमने कितनी देखी है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंटेशन नाम की भी तो कोई चीज होती है भाई। और यहाँ इस फिल्म में शुरू से ही अपना प्रीमिसेस इतना बढ़िया सेट किया है कि लोग अपनी सीट से बन जाएंगे, आप स्टोरी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। वन सीन ऑफ द फिल्म जहां वेदांत को मुर्दा घर में जलाया जाता है, उस मोमेंट में मनोज बाजपेयी साहब की एक्टिंग काफी टच कर देती है, बाय गॉड ये आदमी कमाल का है, वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। हर बार मनोज बाजपेयी साहब की एक्टिंग देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हो जाती हूँ, ये आदमी कैसे इतना टैलेंटेड है यार। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको पूरी फिल्म बता दी है, जो कि नहीं बताई है, वो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। फिल्म में इमोशनल एंगल आपको काफी टच कर जाएंगे और भैया जी का स्वैग और उनका स्टाइल आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देगा। एंड अपनी लाइफ में पहली बार मनोज बाजपेयी ने फुल एक्शन मूवी की है भाई, जिसके अंदर गजब का एक्शन किया है उन्होंने, फुल मासी स्टाइल। और हाँ, कुछ लोगों को नहीं हजम होगा ये, क्योंकि अगर यही चीज कोई दूसरा एक्टर कर रहा होता या फिर साउथ की कोई ऐसी फिल्म रिलीज होती, वहां इन सबको स्लोमो में एंट्री, हवा में उड़ते हुए एक्शन, बड़े बड़े डायलॉग्स
सब जम जाता। बट यहाँ हर चीज में लॉजिक चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ये फिल्म तबाही मचा देगी, लिख के ले लो। एंड बिहार में तो भैया बौकाल, भैया जी ही भैया जी होंगे उधर। फिल्म में बाकी एक्टर्स ने ना बढ़िया काम किया है, पर हाँ कुछ कुछ सीन्स में VFX थोड़े से खराब लगे, जो कि काफी विजिबल भी था। जैसे कि भैया जी का नदी में गिरने वाला सीन, पुअर VFX, बट वहाँ उस टाइम आप स्टोरी से इतना बंधा होते हैं कि वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। मैं फिल्म देखते टाइम कई जगह इमोशनल हुई, तो कई जगह डायलॉग्स पर हंसी भी आई, और एक्शन के टाइम पर जबरदस्त मजा। तो भाई मेरे लिए तो ये फिल्म फुल CD ताली बजाओ फिल्म रही। मेरी तरफ से भैया जी को 3.5 स्टार्स। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और हाँ, अगर इधर उधर से खराब रिव्यू सुनकर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है तो मैं कहूंगी कि सुनी सुनाई बातों पर इतना यकीन मत करो भाई, देखाओ, इसका मजा थिएटर में ही आएगा। And yes, do not forget to subscribe our channel. You can also follow me on Instagram. Mera Instagram handle hai WhatsApp Sakshi. Please like and share this video. Aap dekh rahe the Uncut.